Yes. Okay. So today we will continue with the yesterday's class. That is solutions 1, 1, 3, 5, block 1, unit 1. Okay. So yesterday we discussed about what is solution, types of solutions, some questions, different modes of expressing concentration of solution. And now we will talk about the solutions of solid in liquid. Okay. आप सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हो ठीक है तो यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शन हो सकती हैं एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक नॉट ओनली इन द केस ऑफ कि सॉलिड को जब आप लिक्विड में घोल रहे हो आप किसी भी चीज को अगर घोलोगे तो रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक होगी या तो एक्सोथर्मिक होगी ठीक है एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि आपका सोल्यूशन जो है वो ठंडा हो रहा है एक्सोथर्मिक का है मतलब कि हीट रिलीज हो रही है तो आपका जो बीकर है या सोलूशन है जो भी आपको गर्म फील हो रहा है ठीक है ये दो चीजें हुई अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जब हम सोलूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड की बात करते हैं तो डिफरेंट चीज आती है सल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड की बात करते हैं तो डिफरेंट चीज आती है ओके okay? सो so, सबसे पहले देखते हैं ऑफ सॉलिड इन लिक्विड प्लीज म्यूट योर सेल्फ एवरी वन सो सल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में लिक्विड इज अ सोलवेंट एंड सॉलिड इज योर सल्यूट ठीक है तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सैचुरेटेड क्या होता है है ना उसी से हमें पता चलेगा कि सोलिबिलिटी क्या होती है तो जब आप किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में घोल रहे हो लिक्विड इज अ सॉल्वेंट ठीक है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो एक स्टेट आएगी जब आप घोल तो रहे हो पूरा आपने मैक्सिमम उसको डिजोल्व कर दिया बट फिर भी कुछ पार्टिकल्स उस सोल्यूशन में रह जाएंगे वो स्टेट आपकी क्या होगी दैट स्टेट इज नोन एज सेचूरेटेड स्टेट सेचूरेटेड मतलब नो मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट नाउ कैन बी डिजोल्व इन दैट सल्यूशन इसका मतलब कि जैसे ये एक बीकर है इसमें डिजोल्व हो, हो गया और ये ब्लू कलर का हो गया बट फिर भी यहाँ पे कुछ 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 पार्टिकल्स इसके बचे हुए हैं दैट मीन्स अब आपका सोल्यूशन सेचुरेटेड हो गया है ठीक है मेरी बात समझने की कोशिश करना दैट मीन्स

What? कि वो अमाउंट सोल्यूट का जो आप सौ ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए वही उसकी सॉलिबिलिटी होती है ठीक है पहली बात अब हम देखते हैं सॉलिबिलिटी कर्व क्या होता है तो आप किसी भी चीज का ग्राफ अगर प्लॉट करते हो टेम्परेचर सॉलिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपको जो कर्व्स मिलते हैं ये सीएल एन एस एल कैल्शियम एसिटेट के ओ थ्री ये सारे कर्व्स जो आपके कहलाते हैं सोलिबिलिटी कर्व्स आर नोन एज कर्व्स ठीक है अब आप यहाँ पे देखोगे कि सॉलिबिलिटीज कुछ आयोनिक सब्सटेंस की जैसे एग्जाम्पल दिया है वॉटर सॉलिबिलिटी आयोनिक सब्सटेंस की टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है ठीक है बट सॉलिबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इंक्रीजेस टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट राइज इन जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि देखोगेचर और सोलिबिटी के बीच में कर्व दिया हुआ है ये और कैल्शियम के कर्व में फोकस करना बट कैल्शियम एसीडेट का जो सॉलिबलिटी है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रही है घट रही है तो ये कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं बट बेसिकली जब आप सॉलिड की सॉल्युबिलिटी uh, की बात करते हो तो इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ठीक है ओके okay? क्यों क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है अब बहुत ध्यान से सुनो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है मतलब कि यहाँ पे जो है हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो भी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी ठीक है क्योंकि स्कोप है वहां पे टेम्परेचर और बढ़ाने पे कि सोल्यूशन की सोलिबिटी बढ़े ठीक है बट जस्ट द रिवर्स केस हो जाएगा जब आप सोलिबिलिटी अभी इंपॉर्टेंट हाँ ये इम्पोर्टेंट ये बात यहाँ पे आती है कि इन मेनी केसेस व्हेन अ सल्यूट इज रिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट ही अभी हम सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं ध्यान से समझना मतलब क्या हो रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट हो इसका है, अगर आप को में आपने कभी किया होगा तो आपको पता चलेगा कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है बीकर आराम से बढ़िया ठंडा हो जाता है ठीक है तो ली चेटेलिय प्रिंसिपल क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर टेम्परेचर प्रेशर और कंसेंट्रेशन को आप चेंज करते हो तो आपका इक्विलिब्रियम इट शिफ्ट्स इन अ डायरेक्शन वेयर टू मिनिमाइज द चेंज ठीक है तो जब सॉलिबिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड की बात होती है तो इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस हेंस इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देयर इज अ स्कोप ठीक है टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है सो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन इज रेज्ड एक चेंज होता है इन सच अ डायरेक्शन वेयर कूलिंग टेक्स प्लेस इनहेंस द सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर दिस इज ओनली फॉर सॉलिड इन लिक्विड बार बार बोल रही हूँ अब हम आएंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की तो ये एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे कि डिजोल्यूशन ऑफ सम सॉल्ट जैसे कैल्शियम के सॉल्ट हैं तो इट इज एक्म्पनीड बाई एवोल्यूशन ऑफ हीट ठीक है तो सोलिबिलिटी ऑफ सच सॉल्ट डिक्रीज विथ राइज इन हीट ये कुछ एक्सेप्शन रहते हैं जैसे इन्होंने यहाँ पे कैल्शियम सोल्ट की बात की है कैल्शियम सोल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड है तो जैसे है ना क्यों उसमें कार्बन है तो उसका calcium salt क्या हुआ C -C -H -H, twice, है ना तो जो ये कैल्शियम सॉल्ट है एसिटिक एसिड का इसको हम बोलते हैं कैल्शियम एसिड इसकी सोलिबिलिटी क्या होती है डिक्रीज विथ राइजिंग टेम्परेचर सो ये कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं आपके काम की जो चीज थी वो मैंने आपको ऊपर बताई अब हम देखते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ठीक है अब जब आप देखोगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड तो ये एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है एग्जोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑलरेडी इसमें हीट निकल रही है तो चेंज कहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा चेंज अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है मतलब कि सोलिबिलिटी आपकी घटेगी अगर हम इसको रिएक्शन के उसमें लिखना चाहें तो आप क्या लिखोगे गैस एक सॉल्यूट है Liquid, एक सॉल्वेंट है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है सोल्यूशन बन रहा है ठीक है और यहाँ पे हीट डेल्टा से हम हीट को डिनोट करते हैं तो ये हीट आपकी जो है निकल रही है तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मतलब है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हो क्योंकि हीट तो ऑलरेडी निकल रही है और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और हीट निकलेगी तो बट लीचर प्रिंसिपल क्या करेगा इसको अपोजिट अपोज करेगा तो ये ऑपोजिट हो जाएगी रिएक्शन और आपको क्या मिलेगा सल्यूशन ना मिलके लिक्विड और गैस मिलेगा मतलब कि क्या कि दोनों कॉम्पोनेंट्स अलग है डिसॉल्व ही नहीं हो रहे हैं इसका मतलब क्या सॉलिबिटी घट रही है ठीक है तो दिस इज फॉर सॉलिबिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सो वी विल जस्ट रीड इट

अल्फा ए से बोल दो या फिर इसको अल्फा बोल दो बंसन कोफिशियंट तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस की जब आप बात करते हो लिक्विड में तो वो एब्सॉर्बेशन कोफिशियंट के टर्म्स में बात होती है या बंसन कोफिशियंट से हम इसको डिनोट करते हैं क्योंकि सिंस बंसन एक साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको वो किया था डिस्कवर इसलिए इसका नाम हुआ बंसन कोफिशियंट ठीक है नाउ हाउ इट इज डिफाइंड सो आपको डेफिनेशन आ सकती है सो इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हो ठीक है प्रेशर इज वॉट वन इंटू टू दावर फाइव पास कल टेम्परेचर इज टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव कैलविन सो वो वॉल्यूम गैस का जो आप एक कॉन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे यूनिट वॉल्यूम पे सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हो वो आपकी होती है क्या होती है बंसन कोफिशियंट ठीक है तो ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इस टेबल पे बंसन कोफिस के सॉल्वेंट अगर आप वाटर इथेनॉल बेंजीन लेते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप देख सकते हो बंसन कोफिशियंट ज्यादा है इथेनॉल में हाइड्रोजन का देख सकते हो ग्रेजुअली इथेनॉल में ज्यादा है ऑक्सीजन का देख सकते हो बेंजीन में ज्यादा है एंड सो ऑन ठीक है तो ये दो चीजें थी इसके बाद आपका आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोलिडिटी ऑफ गैसेस तो फैक्टर्स जो आपके अफेक्ट करते हैं वो है टेम्परेचर प्रेशर एंड नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट तो अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर का इफेक्ट तो हमने देख ही लिया कि टेम्परेचर गैस uh, की सॉलिबिलिटी लिक्विड में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी घटेगी दूसरा आता है प्रेशर तो यहाँ से आता है हेनरी का लॉ और यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके न्यूमेरिकल्स आना ठीक है तो हेनरी का लॉ इम्पॉर्टेंट है और ये प्रेशर के इफेक्ट को समझाता है तो यहाँ पे मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि आप देख सकते हो यहाँ पे हेनरी ने ये कहा कि अच्छा हाँ एक क्वेश्चन और आता है कि फिशर्स फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर ठीक है तो इसका रीजन क्या है सेम यही रीजन है कि ऑक्सीजन इज अ गैस यहाँ पे बात हो रही है गैस सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की तो वो ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल इसलिए फील करती हैं क्यों क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी कम होगी टेम्परेचर कम है तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी इसलिए ऑक्सीजन ठंडे पानी में ज्यादा डिजो्व हो रही है इसलिए आर मोर इन द सेम प्रिंसिपल ये इफेक्ट अप्लाई हो रहा है ठीक है ना एप्लीकेशन है ये नाउ कमिंग टू हेनरी का लॉ सो हेनरी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ दिया उन्होंने सॉलिबिलिटी ऑफ गैस को पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन से कोरिलेट किया सो वॉट ही सेड उन्होंने गैस की बात की ठीक है ना गैस की बात की इसके बाद आएगा राउंड स्लॉ तो उसने सिर्फ लिक्विड लिक्विड की बात की थी तो चीजें समझते जाना ठीक है तो हेनरी ने बोला कि एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस किसी लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस मतलब कि किसी लिक्विड में गैस की जो सॉलिबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस की इसका मतलब कि अगर आप मास ले रहे हो that is what, solubility ले रहे हो डायरेक्टली स्टेटमेंट ये है कि टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस ओवर अ सल्यूशन ठीक है ओवर अल्यूशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ गैस तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन से भी डिनोट uh, किया जा रहा है कंसेंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन से भी डिनोट किया जा रहा है क्योंकि हमने वहां पे वेज बढ़े थे कि आप किस किस तरीके से कंसेंट्रेशन को वो कर सकते हो अः uh, डिनोट कर सकते हो डिस्क्राइब कर सकते हो वेज तो यहाँ पे इन्होंने मोल फ्रैक्शन लिया है ठीक है तो ये उन्होंने बोला कि सॉलिड्स की जो सॉलिडिटी होती है लिक्विड में उस पर ज्यादा प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है तो इसके बाद एक साइंट इंग्लिश केमिस्ट है हेनरी ने अपना लॉ दिया कि गैस की सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे आप पार्शल प्रेशर प्रेशर बढ़ाते हो एट अ गिवन टेम्परेचर ठीक है तो ये हेनरी का लॉ था इसका एज इट इज स्टेटमेंट आपको याद रखना अगर आप इसके स्टेटमेंट में चेंज करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये उनके उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो अपने आप ठीक है ना

मोल फ्रैक्शन भी डबल हो जाएगा सो so, प्रेशर या पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन या कंसेंट्रेशन ऑफ गैस एंड जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो के आता है कांस्टेंट uh, आता है जो यहाँ पे के से उन्होंने डिनोट किया है और इस के का नाम है हेनरीज कांस्टेंट और आपका एम है जो या एक्स है मोल फ्रैक्शन है और हेनरीज कॉन्स्टेंट की के की जो यूनिट है इट इज एटीएम, ठीक है ये आपको वन मार्क्स न्यूमेरिकल या इन सब में आ सकता है ठीक है तो एक बात और यहाँ पे ये यह मैं इरेज कर देती हूं और यहाँ पे ये यह जो के है इसको कभी कभी के एच भी लिखा जाता है तो के एच इज नथिंग सेम ठीक है? का कांस्टेंट था इसलिए यहाँ पे एच लगा दिया अब इसका मतलब क्या है कि के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी कम सॉलिबिलिटी होगी ठीक है? तो ये दोनों का इनवर्स रिलेशन है तो ये आपको समझना है याद रखना है के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी या मोल फ्रैक्शन सो पी पार्शियल प्रेशर है गैस का एक्स सॉलिबिलिटी है या मोल फ्रैक्शन है या कंसेंट्रेशन है के कॉन्स्टेंट है जो कि नरी का कांस्टेंट है सो इट इज नोन एज लॉ कांस्टेंट एंड के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स एज यू कैन सी हियर एंड अब के की वैल्यू निकालोगे तो पी बाय एक्स आएगा बायो रीअरेंज करके पे लिखा है तो K के के डायमेंशन प्रेशर के जैसे हैं तो मैंने आपको अभी बताया ए टी एम ही इसके डायमेंशन होंगे क्यों क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर नाउ के ये उसका ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर आप पी का ग्राफ एक्स के साथ देखोगे तो कैसा ग्राफ आपको मिलेगा तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है ठीक है ये भी डेटा दिया हुआ है हेनरी के लॉ का कांस्टेंट का वाटर बेंजीन और गैस डिफरेंट डिफरेंट ली है तो आपको ये वैल्यूज दी हुई है अभी हम बात करते हैं इसकी नेचर ऑफ गैस इन सॉल्वेंट की ठीक है इसके बाद मैं आपको एप्लीकेशंस बताऊंगी एप्लीकेशंस हेनरी के लॉ के बहुत ज़रूरी हैं तो जनरली नेचर ऑफ गैस एंड सोलवेंट की बात करें तो गैसेज विच रिएक्ट केमिकली विदेंट मतलब की ये कि अगर कोई गैस सॉल्वेंट से रिएक्ट कर रही है कोई रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बना रही है तो इट इज सोलिबल ठीक है उसको हम बोलते हैं इट इज कम्पेरेटिवली मोर सॉलिबल देन द अदर फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन क्लोराइड को आप डिजोल्व कर रहे हो वॉटर में तो वो ज्यादा डिजोल्व होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी बेनजीन में ऐसा नहीं होगा इसलिए उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी ठीक है एंड गैसेस जो कि आप इजीली लिक्विफाई हो रही है तो सीधी सी बात है लिक्विफाई हो रही है मतलब कि ज्यादा सॉलेबल है तो ये सारी चीजें तीन फैक्टर्स थे प्रेशर टेम्परेचर नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड द गैस तो आपने अभी प्रेशर का इफेक्ट देखा जिसमें हेनरीज का लॉ था पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमोल फ्रैक्शन के गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड एक्जोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी नेचर ऑफ सॉल्वेंट सेम बात है कि अगर रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है जैसे यहाँ पे HCl की अगर वाटर में डिजोल्व होगा तो वो ज्यादा सॉलेबल है अगर रिएक्शन नहीं हो रही है तो इट इज लेस सॉलेबल ठीक है अब मैं आपको बताती हूँ एप्लीकेशंस ऑफ हैंनरीज लॉ तो मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ ठीक है ये आप लोग टाइप करिए मतलब नोट करिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है सबसे पहला एप्लीकेशन है कि जो एरेटेड ड्रिंक्स हैं जैसे आप पीते हो ना कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो उसमें आप देखोगे कि उसमें हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है भरा जाता है तभी जैसे आप कैप खोलते हो और आपकी गैस रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड तो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ सो आई एम राइटिंग प्रेशर ओके देन सेकेंड पॉइंट स्कूबा डाइवर्स का है जब आप बात करोगे स्कूबा डाइवर्स की तो आप देखोगे कि क्या होता है कि जब वो नीचे जाते हैं पानी में तो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ लेके जाते हैं तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में धोखे से नाइट्रोजन भी आ जाती है ठीक है तो ड्यू टू हाई प्रेशर क्या होता है कि सॉलिडिटी बढ़ जाती है क्योंकि अभी हमने देखा कि जैसे जैसे प्रेशर ज्यादा होगा मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा या सॉलिडिटी ज्यादा होगी तो नीचे जाते टाइम क्या होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों डिजॉल्व हो जाती है क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है बट जब वो वापस आते हैं ऊपर आते हैं वापस नीचे जाने के बाद स्कूबा डाइवर्स नीचे गए अब ऊपर भी तो आएंगे ना नीचे तो रह नहीं जाएंगे जब वो ऊपर आते हैं तो क्या होता है कि नाइट्रोजन की सॉलिडिटी कम होने लगती है धीरे धीरे ठीक है प्रेशर कम हो रहा है तो क्या होता है कि नाइट्रोजन के बबल्स बनने लगते हैं और ये बबल्स अगर आपकी बॉडी में बनेंगे तो प्रॉब्लम होती है डिसकंफर्ट होता है तो इस डिस्कम्फर्ट को यहां पे आपको बोला गया है बेंड्स ठीक है ना सो प्लीज स्टॉप क्लोज योर वीडियो यस ओके so they suffer from disease known as bends. then third application of Henry's law is that, ki at high altitudes, जैसे जैसे आप ठंडे जगहों पे जाते हो, pressure आपका क्या होता है मैं P लिख रही हूँ बस pressure becomes less. okay इसके कारण क्या होता है ऑक्सीजन कम डिजोल्व होती है सो लेस ऑक्सीजन डिजोल्व एंड इसके कारण जो डिजीज से हम सफर करते हैं उस डिजीज का नाम है एनोक्सिया, ठीक है एनोक्सिया. सो दीज आर द थ्री एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू और ये आपको याद रखने हैं समझने हैं और एग्जाम में कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि राइट एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ तो एरेटेड ड्रिंक्स आर सील्ड एट हाई प्रेशर ठीक है क्यों क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिब्रिटी बढ़ जाती है गैस जा की और जैसे ही आप खोलते हो प्रेशर कम हो रहा है तो गैस रिलीज हो जाती है ठीक है अब दूसरा जो अब आप बात करोगे स्कूबा डाइवर्स की तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो लेके जाते हैं उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन तो होती ही है बट बाय मिस्टेक नाइट्रोजन भी एटमोस्फेयर में है तो वो उसमें डिजोल्व हो जाती है अब अगर वो उसमें डिजोल्व हो गई तो नीचे जा रहा है कोई इंसान स्कूबा डाइवर तो प्रेशर बढ़ रहा है तो वो डिजोल्व होने लगती है ठीक है अब जब वो वापस आएगा ऊपर तो प्रेशर कम हो रहा है तो जो नाइट्रोजन बाय मिस्टेक डिसॉल्व हो गई वो बबल के फॉर्म में रिलीज होने लगती है और इस डिजीज के का, इस डिस्टरबेंस के कारण एक डिजीज होने लगती है जिसका नाम है बेंड्स थर्ड एप्लीकेशन ये है कि हाई एल्टीट्यूड या जब हम ठंडी जगह पे जाते हैं तो क्या होता है कि प्रेशर कम होने लगता है जिसके कारण ऑक्सीजन कम डिजोल्व होती है अगर ऑक्सीजन हमें कम मिल पाती है हमारी बॉडी को तो क्या होता है डिस्कम्फर्ट होता है जिसके कारण कभी कभी सांस नहीं मिलती सांस फूलने लगती है उसको हम बोलते हैं एनोक्सिया सो दीज आर द एंड आई होप यू अंडरस्टुड दिस एंड देन देखो ये क्वेश्चन आ गया ना वाई फिशेस कैन नॉट सर्वाइव इन वार्म वाटर क्यों क्योंकि गैस की सॉलिबिलिटी जो है लिक्विड में वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी कम होगी ठीक है ना एंड हेंस फिशेस कैन नॉट सर्वाइव इन हॉट वाटर वार्म वाटर या गर्म पानी में ठीक है ना ऑलरेडी तो गर्म है हीट ऑलरेडी निकल रही है और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ले प्रिंसिपल के कारण रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो सॉलिबिलिटी कम होने लगेगी ऑक्सीजन की इसलिए वो जिंदा नहीं रह सकते इन नेक्स्ट क्लास हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे न्यूमेरिकल के बाद सोलूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड जिसमें आपको राउल का लॉ पढ़ना है फिर आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ने हैं एंड इसके कुछ क्वेश्चन करने हैं एंड देन दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड फिर स्टीम डिस्टिलेशन है जो मैं आपको बता दूंगी स्टीम डिस्टिलेशन कभी कभी आपको आ जाता है एग्जाम में सो so, आज का समझ आया और yes नो यस मैम सबको समझ आया यस मैम ओके गुड सो एनी शुड आई एंड द सेशन ठीक है फिर अपन कल मिलते हैं इसी को कंटिन्यू करेंगे आठ से साढ़े आठ बजे आपकी क्लास रहेगी ओके okay? ओके मैम ओके ओके मैम